हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं राजमा की रेसिपी लेके आई हूँ। ये कौन सा राजमा है? चित्रा, जो हम लोग ज्यादातर पसंद करते हैं वो राजमा है। तो मैंने ये 2 से 3 सीटी तक आने तक इसको बॉईल कर लिया है, सोक कर दिया था। 5 से 6 घंटे तक इसको सोक कर दिया था। आप रात में भी सोक कर सकते हैं ओवरनाइट के लिए। बाकी मैंने दिन में 5 से 6 घंटे के लिए सोक कर दिया था इसको, अच्छे से भिगो दिया था पानी में। और उसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया है। 3 से 4 सीटी ले ली है। 2 से 3 भी लग सकती है किसी किसी कुकर में, किसी किसी में 3 से 4 भी लग सकती है। इधर ले लिया है मैंने 3 प्याज, एक बीच से कट कर लिया है। तो 3 प्याज है, 2 लहसुन की, लहसुन मेरा काफी बड़ा है, 1 अदरक का टुकड़ा है, 2 टमाटर है। सिंपल सा बनाएंगे, जल्दी झटपट बनने वाला राजमा। दोस्तों आइए तो बढ़ते हैं राजमे की रेसिपी की तरफ। हम इसमें प्याज हम कट कर लेंगे मिक्सी के जार में और इसका महीन सा पेस्ट बना देंगे। इधर हमने मिक्सी के जार में सारा कट करके रख लिया है। टमाटर की प्यूरी बाद में बनाएंगे। आप 2 से 3 टमाटर भी ले सकते हैं दोस्तों, मैंने 2 टमाटर लिए हैं, क्वांटिटी के हिसाब से लिया है। राजमा मेरा 200 ग्राम से ऊपर है, थोड़ा पूरा 250 ग्राम भी नहीं है, तो उस हिसाब से मैंने 2 टमाटर लिए हैं। बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है, आप 3 भी ले ले, 4 भी ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। इधर कढ़ाई में हम ले लेंगे तेल करीब 2 चमचा भर के, क्योंकि राजमा छोले इन सब में तेल अच्छा खासा पड़ता है। इधर डालेंगे थोड़ा सा जीरा भुनने के लिए। जीरा जैसे ही हमारा क्रैकल होगा, इधर हमने ले लिए खड़े मसाले, दालचीनी, 2 से 4 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 इलायची हमने बीच से खोल लिए, छिलका उतार लिया, छिलका उसी में है। बस इस तरह से इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी डालेंगे घी। इधर हमने प्याज की प्यूरी सूखी थी, प्याज से हमने प्यूरी बनाई है। प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट जो बनाया था वो हमने इसमें तेल में छोड़ दिया है, ताकि ये प्याज अच्छे से हमारे भुन जाए, मसाला अच्छे से भुन जाए। तब तक ये गोल्डन ब्राउन होगा, उसके बाद हम टमाटर की प्यूरी इसमें डालेंगे। इसमें एक डाल देंगे लाल मिर्च। इधर मसाला हमारा भुन गया अच्छे से, तो देखिए दोस्तों अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची, पिसी हुई मिर्ची का पाउडर, और उसको ढक के पका लेंगे। नमक हम थोड़ा कम डालेंगे, क्योंकि राजमा हमने बॉईल किया था तो उसमें हल्दी और नमक डाल के बॉईल किया था, तो हल्दी थोड़ी इसमें पड़ी हुई है पहले से, तो हल्दी मैंने इसीलिए थोड़ी डाली है। बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। नमक भी इसमें पड़ा है, इसलिए नमक हम थोड़ा डालेंगे, फिर बाद में डालेंगे, पहले मसाला हमारा चटक जाए। नमक डालेंगे हम थोड़ा सा, 1/2 चम्मच। थोड़ी डालेंगे कस्तूरी मेथी जो हमने हाथ से मसल दी है। मसाले को ढक के पका लेंगे। मसाले ने हमारे तेल छोड़ दिया दोस्तों, मसाला बहुत अच्छे से पक गया है, अच्छे से भुन जाए, उसके बाद हम ये राजमा इसमें सारा डाल देंगे। राजमा हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है फुल दोस्तों। इसको पहले एक बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद इसको धीमा कर देंगे और फिर इसको ढक देंगे और ढक के पकने देंगे 15 से 20 मिनट तक, ताकि हमारे राजमे में कोई भी कसर ना रहे, अच्छे से पक जाए राजमा। अगर अच्छे से बॉयल हो गया हो तो कढ़ाई में छौंकते ठीक लगता है, कढ़ाई में बन जाता है अच्छे से।
अगर बॉईल नहीं करना है आपको, अगर डायरेक्ट छोंकना है तो आप डायरेक्ट ही कुकर में उसको बॉईल नहीं करें, बॉईल की जगह उसको मसाले से तेल से बना सकते हैं राजमा, तब भी अच्छा बनता है दोस्तों। चलिए ठीक है, हम इसको ढक देते हैं दोस्तों। अब इसको हम एक बॉईल आने तक, राजमे को हम खोल के देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अच्छे से बॉईल हो गया है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला हम डाल देंगे। गरम मसाला पहले नहीं डाला था, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। देखिए दोस्तों राजमा बन के तैयार है, कितना अच्छा कलर आया है। ग्रेवी मैंने थोड़ी रखी क्योंकि बच्चे राइस से खाएंगे, उनको चावल के साथ खाना है। आइए हम सर्व करके दिखाते हैं आपको किस तरह से इसको। मेरे पास धनिया नहीं है दोस्तों, आप लोगों के पास धनिया हो तो ऊपर से गार्निश कर दीजिएगा। इधर देखिए दोस्तों मैंने राजमा सर्व कर दिया है। बताइए आप लोगों को मेरी राजमे की रेसिपी कैसी लगी। आप धनिया हो तो गार्निश कर लीजिएगा दोस्तों, मेरे पास धनिया नहीं थी। इधर मैंने रोटी और चावल के साथ इसको सर्व किया है। आप नान के साथ, पूरी पराठे के साथ, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगे एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज मेरी रेसिपी आप जिस तरह से मैंने बनाई है, झटपट बनने वाली, जल्दी से इस तरह से बना के देखिएगा दोस्तों। एक कमेंट करिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।